नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोयल आज के आपके अपने इस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बेटा आज रेलवे लोको पायलट का जो हम आपकी सीरीज चल रही है और जिसमें आपका आज का टाइम एंड वर्क का आपका पार्ट टू है। पार्ट टू के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पाइप एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड स्ट्रीम, तो बिल्कुल दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमने एक लेक्चर इसका पिछले वाले सेशन में कवर कर लिया था और सेकेंड सेशन हम आज यहाँ इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं फटाफट अपने सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बाकी लोगों से कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो करें बेटा हम स्टार्ट आज का अपना सेशन। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया शानदार रहने वाला है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें सीखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके अपने जब भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे तो दे रखा है कि तीन नल है, तीन नल जो दिए गए हैं उनका एक अपना अपना व्यास दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, साथ मिलकर किसी टंकी को कितने देर में भरेंगे। मतलब तीनों जो टैंक है यदि वो मिलकर काम करें तो क्वेश्चन ने बोला कि भैया कितना देर में भर देंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा जो नल है, उनमें से जो सबसे बड़ा नल है वो आपको साफ साफ मेंशन है कि 1/20 घंटे में भर सकता है, 1/20 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा का व्यास वर्ग के अनुपात में है। अरे भाई ये नहीं भी बोले ना तो भी हम सबको पता है कि पानी जो है, पहले आप सिस्टम समझो, यदि आपकी ये ठोटी लगी हुई है, ठीक है, तो पानी किसी एक व्यास से निकल के आएगा क्या? पानी निकलेगा तो पूरा सर्कल से बाहर निकलेगा। अब भाई जब पूरे सर्कल से बाहर निकलेगा तो डिपेंड करेगा कि आगे का जो मुंह है वो कितना बड़ा। यदि बड़ा मुंह है तो पानी ज्यादा निकलेगा, छोटा मुंह है तो पानी कम निकलेगा, और छोटा है तो और कम निकलेगा। फाइनली डिपेंड करेगा कि आपके आगे जो डेटा है वो सर्कल कैसा है, ठीक है। अब सर्कल पर डिपेंड करा तो सर्कल का क्या देखा हमने? एरिया देखा। अब बेटा जब सर्कल का एरिया देखा तो पॉइंट ये है कि सर्कल का एरिया होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि बेटा एक वृत्त जो होता है उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट बात ऐसी कि आर का मतलब है रेडियस और इसमें बात किसकी की है? डायमीटर। तो सबसे पहली बात यह कि रेडियस और डायमीटर में संबंध क्या है? तो बेटा आर प्रोपोर्शनल डी है, वो एक अलग बात है कि आर जो है वो d/2 के बराबर होता है, बट ये न्यूमेरिकल डेटा है। बट यदि हम थ्योरेटिकल बात करें तो आर प्रोपोर्शनल किसके है? डी के। तो जो संबंध आर की फॉर्म में चलेगा वही संबंध डी की फॉर्म में चलेगा। तो तुम चाहो तो इनका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट बजाय बाय डिवाइड बाय टू करने के। तो क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप ऐसे भी करोगे तो भी अपना काम चलेगा। हाँ कुलदीप महावर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो अब हम बातों को ये बात समझ गए, अब हम इस स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। अब बेटा जैसे आप इस स्ट्रक्चर पर काम करोगे तो आप समझो कि आपका पानी जो है कितनी स्पीड से जाएगा वो डिपेंड करेगा क्षेत्रफल पर। ये क्लियरिटी मिल गई ना? अब क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा तो अब बात ऐसी कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सुनिए, आपने तीनों पाइपों का नाम दे दिया ABC। चलो मैं आपको यहाँ लिखकर मेंशन करता हूँ, ABC तीनों पाइपों का नाम लिख दिया। अब साफ साफ बोला कि प्रत्येक नल में बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के अनुपात है। तो देखो आप यहाँ बोलोगे किसका स्क्वायर कर दोगे? 1 का स्क्वायर। यहाँ आप किसका स्क्वायर कर दोगे? 2 का स्क्वायर। और यहाँ आप किसका कर दोगे? 4 का स्क्वायर। अब डिवाइड बाय 2 भी कर दोगे तो भी बेटा कटेगा। अब ये जो स्पीड आई है ये क्या है? इसकी वर्किंग पावर है। ये जो डेटा है वो क्या है? आपका वर्किंग पावर। अब बेटा ये आपका वर्किंग पावर का है तो वर्किंग पावर का आपका अनुपात है 1/16। मतलब इनकी जो स्पीड है उस स्पीड का रेशियो है 1/4/16। बट हमारा काम स्पीड से नहीं चलने वाला, हमारा काम बात है कि स्पीड से तो चलेगा बट ये कि टाइम कंज्यूम कितना होगा आपसे कुछ नहीं पूछा। तो एक काम करो, जो आदमी तेज चलेगा तो तुम खुद बताओ टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली कम ही लगने वाला है। तो सिंपल बात है भाई, तेज चलो और कम टाइम लगेगा, इसका मतलब है ये तेज चल रहे तो टाइम का रेशियो बनाए। टाइम का रेशियो आपका सीधा जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्पीड के। ये बहुत सिंपल बात है। और भी नहीं समझ में आ रहे तो एक काम करना, आज अपने घर से अपने जहां भी आप जाते हो वहां एक बार पैदल पैदल जाना, एक बार बाइक से जाना। बाइक से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, समझ जाओ तेज चले मतलब टाइम कम लगा, तुरंत समझ गए कि आपकी स्पीड आपके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जब तुम इसकी भावनाओं के इस तरह से समझ गए भाई तो 1/1, 1/4 और 1/16 ये आपका रेशियो आ गया। अब इसको लिखने के बाद अब भैया आपको डेटा ध्यान रखे, अनुपात की भी अपनी एक इज्जत है। अनुपात की अपनी क्या इज्जत है? अनुपात बोलता है भैया मैं पैसे कटा बेटा हूं और तुम मुझे और छोटा करोगे, तो यदि मुझे छोटा करना है तो ध्यान रखना डेटा बटे में कभी भी
नहीं होगा, अनुपात की एक ही बेचारे की प्रॉपर्टी है। अब अनुपात की इज्जत रखनी है तो आपको डेटा बटे में नहीं रखना, और डेटा बटे में नहीं रखना तो नीचे दी गई संख्या एक ही तरह का भैया लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। अब बेटा जैसे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 16 आया, और जैसे 16 से किया आपने डेटा, तो आपका डेटा निकल गया 16:4:1, मतलब 16:4:1। यदि पहले वाला नल 16 घंटे लेगा तो दूसरा नल 4 घंटे लेगा, तीसरा नल 1 घंटे लेगा, तीनों का अपना अपना टाइम पता लग गया। अब यदि ये पूछता तो ये तो आंसर आ चुका, बट क्वेश्चन अभी भी ये है कि तीनों ने मिलकर उस काम को कितने देर में किया। अब भाई तीन लोग मिलकर करेंगे तो टाइम कम ही लगेगा ना यार, तो तीनों लोग मिलकर करेंगे टाइम कम लगेगा, तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे समझिए। अब इसने एक बड़ी हिंट और दी है कि सबसे बड़ा जो नल है ना वो कितने घंटे में करामात करता है, बाद की बात है ये कितने घंटे में करामात करेगा। अब तुम क्वेश्चन को सिस्टम को समझो, यहाँ बैठ जाओ। ठीक है भाई, अब देखो एक काम कीजिए आप, सिंपल ए आप बी और आप सी, ए वाला नल हमारा काम 16 घंटे में कर रहा है, बी वाला नल हमारा 4 घंटे में कर रहा है, सी वाला नल हमारा 1 घंटे में कर रहा है, राइट। बट बोला सी 1 घंटे में कर रहा है मतलब बड़ा पाइप है, और ये भाई बड़ा पाइप है ना, पक्की बात है बड़ा पाइप ये रहा, और ये कितने घंटे में कर रहा है 21/20 घंटे में, बोलो डील फाइनल है ना। तो भाई डील फाइनल है तो फाइनल बने रहने दो 21/20। अब आपको इस बात से ये पता लग रहा है कि एक जो यूनिट है वो आपकी 21/20 के बराबर है। अब आपसे पूछा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फेरी करेंगे, तो भाई बात ऐसी है आप तीनों का एलसीएम लो, 16 आएगा, 16 का भाग दिया 1 बार 4 बार और 16, मतलब ए एक काम को 1 घंटे में 1 काम करता है, बी 1 घंटे में 4 काम करता है, सी 1 घंटे में 16 काम करता है, इसलिए सबसे बड़ा हुआ जो कि 21/20 घंटे में काम को फ्री कर देता है। क्या पॉइंट समझ में आ गया क्या? राइट, अब सुनो, अब बात समझना, मैंने इन तीनों को बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो तीनों तीनों कुएं में जाके गिरो, मतलब तुम तीनों तीनों मिलकर काम करो, तीनों मिलकर काम करेंगे तो बोलो कितना काम होगा, 21 काम होगा, और 21 काम तो होगा पर काम कितना है 16, तो तुम बोलोगे 21 काम करने वाले कितना टाइम लेंगे कि काम तो करवाना है भाई 16, तो टाइम बराबर 16/21 यूनिट आ गया, 16/21 यूनिट आ गया। अब सीधी सीधी बात है 16/21 तो ऑप्शन में नहीं है, अरे कहां से आएगा, अभी तक तो हमने डेटा इमेजिनरी डेटा बनाया है, रियल डेटा तो बनाया नहीं। तो अब सुनो, एक यूनिट किसके बराबर है, आपने बोला कि एक यूनिट की वैल्यू 21/20 की बराबर है, तो आपके पास कितना यूनिट आया, 16/21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 21/20 को आप गुणा कर दो 16/21 से, भाई 21 ने 21 को खत्म किया, ये आपका है 4/5 घंटे, और 4/5 घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप गुणा कर दोगे 60 से, मामला बैठ जाएगा 12, और 12×48 मिनट में पूरा खेल खेल जाओगे। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना मिनट है बेटा, 48 मिनट। मैं आपको फिर वापिस समझा देता हूँ क्वेश्चन, कि आप लोगों को कम समझ में आया हो यदि बहुत पहली बार आपने इस कैटेगरी का क्वेश्चन देखा होगा तो। सुनो, अब इस व्यवस्था को थोड़ा तरीके से समझना आप, राइट। तीन नल जिनका व्यास 1, 2 और 4 है, 1, 2, 4 रेडियस व्यास की प्रपोर्शनल होती है पहली डील, ठीक है। तो हमने बोल दिया ठीक है, अब पानी जो निकलेगा ये भी कंफर्म हो गया कि भैया इस पूरे गोल गोल से निकलेगा, इस गोल से निकलेगा, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो पाई आर स्क्वायर, यही मैंने समझाया, आर के प्रोपोर्शनल डी है तो बोलो डी स्क्वायर बनेगा, डी स्क्वायर इसकी क्षमता आ गई जिसको बोलेंगे अपन कैपेसिटी। तो सुनो, हमने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दिया जैसे कि क्वेश्चन ने बोला, ये इसकी आ गई वर्किंग पावर, वर्किंग पावर बोले तो क्षमता, तो क्षमता क्या बोलो, 1 काम 4 काम 16 काम, ये काम का अनुपात है तो हमने टाइम का अनुपात निकाला, टाइम का अनुपात जब निकाला तो नील निकल गया 16 काम 4 काम और 1 काम, तो देखो 16 काम 16 घंटे 4 घंटे और 1 घंटे, यहां से आपने टोटल काम का पता कर लिया, इसका एलसीएम लिया तो 16 काम टोटल निकल गया है, और जैसे पता किया 1 दिन में 1 काम 4 काम और 16 काम, तीनों को जोड़ा, तीनों को मिला कितना काम निकल गया है, 21 काम, और जब 21 काम करने वाले कितना टाइम लेंगे, काम तो 16 ही है, तो आपने बोला भाई 16/21 घंटे में खेल खेल जाएंगे, पर आपने ये भी तो बोला कि 1/1 जो नल है वो 21/20 घंटे में खेल खेलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ
एक चॉकलेट 21/20 की है तो 16/21 चॉकलेट कितने की होगी, 4/5 की, और 4/5 को जैसे ही मिनट में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आ गया 48 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आपको ध्यान दे, कोई इस तरह के क्वेश्चन आपके अमूमन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है चलो, अब बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, कोई दिक्कत किसी भी को, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या चाहता है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि दो पाइप ए और बी एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं। तो देखो एक तो पाइप ए है एक बी है, ये 30 मिनट में काम करता है, ये आपका 45 मिनट में पूरा काम करता है, और तीसरा नल जो सी है वो भैया 36 मिनट में गेम को खराब कर देता है। तो ये दो लोग तो पॉजिटिव है, ये तीसरा आदमी नेगेटिव है। पहले तो तुम्हें ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, पॉइंट क्या समझा अभी तक क्वेश्चन नहीं बताया। ठीक है यहां तक की पूरी बकवास क्लियर है हमें, अब आगे बात सुनो। अब ये आगे बता रहा है वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि पूरा गेम भाई क्वेश्चन को पढ़ने का ही है। जिसको क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना वो दुनिया में क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन को फोड़ सकता है, बट क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। बोला पहले एयर बी को खोला जाता है, ठीक है एयर बी को खोल लेंगे, पर एक काम तो करो एयर बी की औकात का तो पता करो। तो भैया आपको सीधी सीधी बात है, टंकी की कैपेसिटी का पता नहीं है, कुछ को नहीं पता, तो एक ही जुगाड़ है कि आप हमेशा क्या लो एलसीएम लो। अब टंटा हो रहा है 30, 45 और 36 का एलसीएम वो नहीं आता, तो सुनो केवल 30 और 45 होता तो काम 90 से चल जाता, क्योंकि 45 और 90 में 45 का भी 30 का जाता। अब 90 का भाई ये, तो एक काम करो 90 में 36 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 90 का डबल करो 180। ओके अब सुनो 180 में 36 का जाता है क्या, अरे वो 36 × 180, पर एक कड़ी सो रहा है कि 36 का पारा नहीं आता, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बाढ़ सीखो। ठीक है कुल मिलाकर आपको ये पता लग गया कि आपका जो एलसीएम है भाई 180 आएगा, ये 180 आपका एलसीएम आया। नहीं आए समझ में, नहीं बैठ रही हो खोपड़िया में, तो यूं बड़ा सा डंडा खींचना और लिखना 30, 45 और 36। आप जब यहाँ डेटा निकल के आएगा तो डेटा आपका आ जाएगा 180। एलसीएम निकालना समझ में आ गया क्या? अब ये तो तुम सबको आता है, ये मुझे पता है हर गरीब आदमी को आता है, तो हर गरीब आदमी को जब ये आता है सीख गए। और जब देखो इस गरीब तरीके से करोगे ना तो पार पड़ेगी नहीं, आपको ये थोड़ा अमीर वाला काम करना पड़ेगा, आपको ये नंबर पहाड़ी वगैरह याद करने पड़ेंगे यदि मैथमेटिक्स मजबूत करनी है, नहीं तो मैथमेटिक्स जैसी है वैसी बनी रहेगी। अब सुनो भाई ये 30 मिनट में 180 भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 6 लीटर, ये भाई 1 मिनट में कितना भरेगा 4 लीटर, और ये क्या करेगा भाई 1 लीटर 1 मिनट में 5 लीटर क्या कर देगा खाली। तीनों ने अपनी अपनी कैपेसिटी अपनी अपनी औकात निकाल चुके हैं हम इन डेटाओं की इंडिविजुअली। अब बात करते हैं और आगे भाई, अब जैसे बात करेंगे वैसे करेंगे जैसे हमारे को क्वेश्चन ऑर्डर देगा, क्वेश्चन ने क्या ऑर्डर दिया उसको ऑर्डर सुनो। बोला पहले ए और बी को खोल दो, लो भाई पहले सिस्टम बना लो, ए और बी को बोला भाई तुम आ जाओ और तुम खोल जाओ, खोल दिया। बोला कि फिर 12 मिनट बाद सी को और खोल दो, ये घटना चलेगी मिलकर कितने मिनट तक 12 मिनट तक, 12 मिनट के बाद में सी और आएगा पूरी डील के अंदर, और सी के आते ही उसने ये तो नहीं बोला ना ए और बी को बंद कर दो, तो सी के आते बात ऐसी तीनों ने काम शुरू कर दिया। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा बताओ टैंक कुल कितने समय में भरेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको पर्सनल अपनी अपनी औकात में क्वेश्चन समझ में आ गई। पहले मैदान में कौन उतरा ए और बी, ए और बी बोलो कितना काम करते हैं 6 और 4, तो सुनो भाई 6 और 4 10, और 10 को गुणा कर दिया 12 से, बात ऐसी है 120 लीटर अपनी टंकी में पानी आ चुका है। भैया बात सुनो अपनी टंकी को चाहिए कितना लीटर 180, अभी 120 आया मात्र, अब सुनो 120 आया तो बाकी है टंकी में पानी कितना, तो सुनो शेष पानी कितना है, हम सबको पता है शेष पानी कितना बाकी है, तो आप बोलोगे 180 में से गुरु जी 120 घटा दो 60 लीटर बाकी है। जैसे 60 लीटर बाकी रहा ना इस मैदान में उतर गए एबीसी, ए ने बोला मैं 6 भरूंगा, बी बोला मैं 4 भर दूंगा, सी बोला तुम बेटा तुम भरो मैं खाली कर दूंगा, वो कितना खाली करेगा 5। अब आपने 6 में से 5 घटाया तो 1 और 1 जुड़ गया 4 में 5, कुल मिलाकर रिजल्टेंट वैल्यू आ रही 5 लीटर, 5 लीटर भर सकता है, कितना टाइम लेगा कि भरना है 60 लीटर, बोलो बालको आपका आ गया 12, 12 × 60, इसका मतलब हर डेटा आपको मिनट में चल रहा है, तो बोलो 12 मिनट और रिक्वायर्ड हुई। अब क्वेश्चन में ये बोलता
टैंक पुल कितने समय में बनने की जगह बोलता शेष कितने समय में, तो शेष तो 12 आ जाता, बट बंदे ने बोला कुल। अब बंदे ने जब कुल बोला ना भाई, तो 12 तो ये रहा, 12 और यहाँ है, तो 12 और 12 कितना हुआ 24। ध्यान रखना दुर्घटना बस बी ऑप्शन आ सकता है, जो कि क्या है गलत है। हाँ देखो आई गए ना, मैंने तो बोला दुर्घटना होगी, हाँ होगी दुर्घटना। मनीषा बी लिया ही, देखो राकेश बेटा तू भी बी लिया है, हाँ 24 भागे वापिस। हाँ तो घटना होनी है, क्योंकि हमको वही दिखता है जो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं भाई। 12 आ गया तो 12 सबसे पहले ढूंढेंगे। अगले ने बोला कुल, कुल का मतलब पहले कितनी देर आपने रोया धोया करी, उन सबको जोड़ना है। तो 12 प्लस 12 भाई 24 हो गया ना, तो आपको टोटल जोड़ना है। तो 24 कैसे आया, टाइम एंड वर्क के भैया ये मजबूत क्वेश्चन, आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया ना, फिर टाइम एंड वर्क में तो लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने पेचीदा क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये भी बेटे आए हुए हैं। क्या आपको बात क्लियर, किसी को डाउट, बड़े अपन आ गए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये इसके डेटा क्या है, पहले डेटाओं को निकालो, जैसे कहेगा फिर वैसे काम करेंगे। लो भाई देखो, यदि तुम पहले बार पढ़ रहे हो ना, तो भी एक मामले एक बार मामला ओके हो जाएगा, ढंग से देखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो। ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। बोला कि हम तीनों तीनों जाएंगे ना, तो करामात करके आ जाएंगे 10 मिनट में, टंटा फ्री। ओके पहले डील फाइनल, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए बोलता है यार मैं अकेला जाऊंगा ना, तो उस काम को तो मैं 30 मिनट में सल्टा दूंगा, ठीक है भाई। बी बोल रहा है कि मैं अकेला गया ना, तो 40 मिनट में सल्टा दूंगा। ले भाई बी तू 40 मिनट सल्टा। सी क्या बोलेगा, सी को तो बोलने लायक ही नहीं पूछा, उसने बोला सी अकेला क्या कर देगा। अब सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ये क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, तुमको मैंने ये बात बोल रखी है, कुछ भी दे दे भाई, तुम तो उनका टेंट हुआ पकड़ो, जो भी नंबर देना साला सबका एलसीएम ले लो, ठीक है। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं। अब भाई एलसीएम लो इसका, इसका एलसीएम बहुत सिंपल है। देखो जीरो को देखकर तो जीरो आनी है, तीन और चार का एलसीएम 12 आना है, कुल मिलाकर बात ऐसी 120 इसका एलसीएम आना है। 120 एलसीएम आना, उस टैंक की कैपेसिटी जो है वो आपकी 120 लीटर, ये फाइनल हो गया। अब 120 लीटर को 10 मिनट में भर सकता है, 1 मिनट में 12 लीटर, ये 1 मिनट में आपका मात्र 4 लीटर, ये 1 मिनट में आपका मात्र 7 लीटर। अब सुनो मेरी बात, ए ने बोला कि जब मैं गया तो मैंने भैया सॉरी ए ने बोला जब मैं गया तो कितना भर दिया 4, बी बोल रहा कि मैं कितना भरता हूं 3, और ये तीनों बोल रहे कि मैं हम कितना भरते हैं 12। अरे यार एक अंडा भी जानता है, एक 4 भरेगा, दूसरा 3 भरेगा, 7 भर गए ना, तीनों ने मिलकर 12 भरे, तो सी भाई साहब ने कितने भरे, सी भाई साहब ने भरे 5 लीटर, हो गया काम। सी भैया ने 5 भर दिया, आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दो 4 + 3 + C = 12, 7। आप छाती चौड़ी करके भी आप स्पष्ट साफ साफ बोलोगे 5 लीटर पर मिनट इसकी भैया निकल के आ गई कैपेसिटी स्पीड। अब सुनो, अब सी से बोला गया सी एक काम कर, तू एक काम कर, तुझे अकेले को छोड़ रहा है मैदान और ये टैंक को भर के आ। तो सी बोला ओके डील फाइनल है, 5 लीटर को 1 मिनट में सल्टा दूंगा, ठीक है भाई। और टैंक में पानी कितना भरना है कि 120 लीटर, बोल कितना टाइम लगेगा। अरे बुड़बको ये क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, सीधे सीधे 5 × 2 = 10 और 5 × 20 24 मिनट में खेल खेल जाएगा, और 24 मिनट में खेल खेल जाएगा तो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, बी ऑप्शन में आ जाएगा। बोलो मामला क्लियर है क्या। हाँ भाई कुलदीप, बी ऑप्शन मनीषा राकेश, ओके टाटा टक। क्या लिखा है पार्थ दयाल 120/5, हाँ भाई 5 का भाग देके बोल देता, पूरा काम मेरे से करवाएगा क्या राकेश, ओके। चलो जिन भी बच्चों का आपका 24 आंसर आया, एकदम मामला ओके है, राइट है। तो उम्मीद रखता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, दुनिया बोलते हैं सबसे टफ टॉपिक है, अरे है क्या भाई, आपको पर्सनल स्पीड निकालनी है, टोटल कैपेसिटी टंकी कितने की ये पता करना है, फिर तो तुम फोड़ दोगे क्वेश्चन को, फिर कुछ नहीं बचा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो अब ये भी देखो क्या बोल रहे हैं, एयर भी पानी की टंकी को ये और ये मिनट में भर सकते हैं, जैसा बोल रहा है पहले बहुत उस तरह से गेम खेलो। ये बोलता है 20 मिनट में खेल खेलूंगा, खेल ले भाई। ये बोलता है 24 में खेलूंगा, तू भी खेल ले। अब सी ने बोला कि भैया बात ऐसी मैं कैसे खेलूंगा मुझे नहीं पता, पर बात ऐसी मेरी स्पीड जो है ना 3 गैलन प्रति मिनट है। सी के बारे में कोई अलग से पर्सनल बात बोली है, 3 गैलन प्रति मिनट, ये भैया स्पीड की बात हो गई, और ये सब बात थी टाइम की, कोई बात नहीं है इसको भी सोच लेने दे। अब सी की जगह मैंने बेटा 3 कैसे लिख दिया, अच्छा 3 उसके जगह लिख दिया, ओके सी के बारे में नहीं पता, ये इसको मार्क कर देते हैं।
खाली कर सक, अच्छा सी खाली करेगा, ये माइनस का चिन्ह लगा दो। ए बी और सी तीनों एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगाते हैं लोग, एक गेम और खेल लिया उसने, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 मिनट में सलटा देंगे। ये लो भाई तीनों मिलकर 15 मिनट। तुमको क्या बुद्धि दी मैंने अभी 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 तुम्हारे मेरे बीच में डील हुई है कि कुछ भी बोल दे एलसीएम लेंगे साहब, लो तो लो एलसीएम लो। 15 और 20 होता तो एलसीएम कितना आता, 60 आता, को 20 30 60, 60 में 15 के भाग जाएगा, और 60 और 24 होता तो 24 5 120, वही बात के पहाड़े आना चाहिए। 120 आपका लीटर टोटल कैपेसिटी आई टैंकी। अब सुनो तीनों मिलकर 8 लीटर भर सकते हैं, 15 120। ये बोलता है मैं अकेला जाऊंगा ना तो मैं भैया 6 लीटर भर पाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा तो 24 5 120 ये भर पाऊंगा। तो अब सुनो या जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 लीटर करेंगे, और यहां बात है दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 11, और 8 तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो ट्विस्ट की बात ऐसी है कि अब हर एक बच्चा इस बात को समझ सकता है कि यार अकेले तीनों मिलकर तो 8 काम कर रहे हैं और दो मिलकर 11 काम कर रहे हैं, तो तीसरा पॉजिटिव काम कर रहा है कि नेगेटिव। भाई दिमाग एकदम क्लियर हो गया होगा, तीसरा काम कर रहा है बिल्कुल धड़ल्ले से बोल दो कि नेगेटिव, और कितना नेगेटिव, 11 को 8 बनाने के लिए 3 लीटर निकाल रहा है। ओके अब 3 लीटर निकाल रहा है 1 मिनट में, और लीटर को निकालने में चाहिए कितना, 120। तो सुनो 3 लीटर के हिसाब से खाली करता करता 120 लीटर खाली करवाना है। तो बात ऐसी है कि ये मामला ऐसा है कि ये 40 मिनट में इस टैंक को खाली कर देगा। अब क्वेश्चन में ये बोलता कि सी अकेला कितने में खाली कर देगा, तो 40 मिनट आ जाती। तो भैया बात ऐसी है, क्वेश्चन में यूं बोला कि टंकी की धारिता क्या है, टंकी की कैपेसिटी क्या। अब सुनो बात, सी अकेला 40 मिनट में पूरा खाली कर सकता है, जबकि 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला साफ साफ, और 40 मिनट में पूरा गेम बजा देगा। अरे 40 मिनट में गेम बजा देगा तो बजा लेने दो भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है, 120 गैलन टिका दो, और कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन राइट। तो भैया पिछले क्वेश्चन में जो हमने आपसे बात की थी, सुनो ये बोल रहा था ना मैं आपसे स्पीड, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा पिछले क्वेश्चन में ये स्पीड मैंने निकाली थी ना, अगले क्वेश्चन में इसने स्पीड को दे दिया, तो क्या फर्क पड़ा। आप ये पता कर लो कि उस इसकी स्पीड पता है तो काम कितने मिनट तक कर रहा है, उसकी मिनट को आप स्पीड से गुणा कर दो। बचपन में तुमने समय दूरी चाल भी तो पढ़ा होगा, मत डिस्टेंस निकल के आई है, काम निकल के आ जाएगा, है तो डिस्टेंस कवर करना भी तो काम ही है भाई। तो ये टाइम एंड वर्क जो पढ़ रहे हो, काम भी तो पढ़ रहे हो, क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है सुनो, अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नल 6 घंटे में खेल खेल लेगा, सुनो भाई, और टंकी भी आधी भर देगा। ओके 6 घंटे में भर सकता है, ये बढ़िया सा टैंक बना दो सुंदर सा, और बोल रहा है 6 घंटे में पूरा गेम खेल जाऊंगा। 6 घंटे में मान लो 6 लीटर भर देता होगा, मानने की बात है तो वही मानो जो मैं अच्छा लगता हूँ। अब उसने बोला कि जब टंकी आधी भर जाती है, तो सुनो भाई बात ऐसी, जब टंकी आधी भरेगी तो ये रही आधी, आधी भरेगी तो कितना लीटर, 3 लीटर। अब इस 3 लीटर को भरने में कितना घंटे, 3 घंटे। अब यहां से पता लग गया 1 लीटर पर क्या है, घंटे वाली बात है क्या, तो आप यूं लिख दो 1 लीटर पर घंटे। इसकी एक स्पीड निकल के आई, अब 1 घंटे पर लीटर जब स्पीड निकल के आई ना, तो 3 घंटे तो उसने लगा दिए। अब उसने बोल दिया इसी प्रकार के भैया तीन और नल खोल दिए गए। अब तो सर मेरी बात सुनो, एक तो पहले से खोला गया, अब उस जैसे 3 भाई और आगे मैदान में 4 लोग हो गए, और हर आदमी 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, अब ये चारों के चारों मैदान में कूदेंगे तो भैया ये तो 1 घंटे में 4 लीटर को भर देंगे। पर क्वेश्चन ने तो कहा कि मुझे तो दादाओ 3 लीटर चाहिए, तुम तो 40 भर दो, उससे क्या मतलब है। तो सुनो बात, 4 लीटर भरने वालों तुम कितना टाइम लोगे, कि टाइम भरवाना है 3 लीटर, तो आप बोलोगे लोड मत लो, हम 3/4 घंटे लेंगे, और मिनट में बोलने की इच्छा कर रही है तो भैया हम 45 मिनट लेंगे, तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। सुनो 3 घंटे तो ये खा गया, अब 45 मिनट इन्होंने मिलकर और काम किया। तो बात ऐसी कि टोटल टाइम की जब बात की जाए तो आपका 3 घंटे 45 मिनट में गेम पूरा हो जाएगा।
और 3 घंटे 45 मिनट आपके कौन से ऑप्शन में है, आपके डी ऑप्शन। हाँ जी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आज का बेटा सेशन उम्मीद रखता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और आज हम थोड़ा लेट हो इसके लिए खेद है, क्योंकि हमारा हमको कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और कल से उस चीज़ का ध्यान रखेंगे जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। आज बहुत कम क्वेश्चन कर पाए, कोई बात नहीं, कल हम और टाइम को ध्यान में रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे या कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस तो तुम करो, कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। चलो आज जो पढ़ा बेटा उन क्वेश्चनों को करना, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आगे के लिए हम आज का सेशन करते हैं एंड, फिर मिलेंगे एक नई सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।